हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, तो जैसे कि आज दिवाली है तो आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत ही अच्छा जाना चाहिए और आपकी जो भी ख्वाहिशें हो पूरा हो जाए। और मैं प्रार्थना करूँगी भगवान जी से आप सबका दिन अच्छा जाए। और तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं मैंने क्या क्या तैयारी की है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने कुछ तैयारी कर कर रखी है। और जैसे कि अभी शाम को होती है हमारे यहाँ पर लक्ष्मी पूजा, तो आप देख सकते हो हम महाराष्ट्र से, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने कुछ तैयारी करके रखी है और कुछ शाम को करूँगी ताकि मुझे आसान हो जाए सब चीज़ें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर ऐसे पांच प्रकार के, मतलब जैसे गेहूं, चावल, दाल, ऐसे जो हमारे घर में धान्य होते हैं, मतलब वो भरकर रखा जाता है, तो आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुकी है और मैंने तैयारी कर ली है, तो आप देख सकते हो। तो आपने कैसे तैयारी की फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हर साल मैं महाराष्ट्रन लुक करती हूँ, पर इस साल मैं मतलब सिंपल सा तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इस साल कुछ सिंपल किया जाए। तो चलो फ्रेंड्स, दिया लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कैसी रहेगी रंगोली, ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल रंगोली बनाई है और मुझे सिंपल चीज़ें ही पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बच्चू मस्ती कर रहा है, बहुत खुश है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड देख सकते हो। हम ज़्यादा पटाखे वगैरह नहीं फोड़ते हैं, हम सिर्फ हर साल फुलझड़ी वगैरह ही जलाते हैं, बस इतना ही करते हैं। हम ज़्यादा फटाकों में पैसे वेस्ट नहीं करते हैं, हम किसी को दे देते हैं जिनकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारी सिंपल सी फैमिली और सिंपल सी दिवाली। हमारी छोटी सी फैमिली है, मेरे सास ससुर नहीं है इसलिए हम गांव नहीं जाते हैं, आप देख सकते हो। तो आप सब ने कैसे दिवाली मनाया ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो और एक बार मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। तो ये नीचे, मतलब हमारे बिल्डिंग के नीचे बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, देख सकते हो।